अकेले हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद की नाम है या बुद्ध कहलाया या तथागत कहलाया और या बोधिसत्व कहलाया। और बोधिसत्व का क्या अर्थ है वो लिख लो। ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो करुणा भाव से, ज्ञान प्राप्त ऐसा व्यक्ति जो करुणा भाव से, करुणा भाव को आप ये लिख सकते हैं लोक कल्याण भाव से, जो करुणा भाव से दूसरों के मोक्ष हेतु भी, दूसरों के मोक्ष हेतु भी जो करुणा भाव से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या करेगा, दूसरों के मुक्ति हेतु मोक्ष हेतु प्रयासरत हो, प्रयासरत हो या प्रयास करता हो। ज्ञान प्राप्त ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास करता हो वो क्या कहलाएगा, बोधिसत्व। गौतम बुद्ध कैसा था, उन्होंने कहा कि इस संसार में दुखियों में आंसू बहा है और मुझे अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये ज्ञान मेरे साथ ही चला जाएगा, मेरे को मुक्ति मिल गई। कहते सर आपका सिलेक्शन हुआ आपके गाँव में, आपकी कम्युनिटी में बहुत पिछड़ा पड़े, वो क्या लगता है मेरा इस नोट्स का, मेरी मेहनत का मेरे लोगों को फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से आप यही चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, आप उनकी हेल्प करेंगे, नोट दे देंगे उनको, कुछ और हेल्प करेंगे। तो आपको पता है मेरी कम्युनिटी में, मेरे लोगों में, मेरे अपने क्षेत्र में से लोग नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपको लगेगा सर यहाँ तो लोग कॉन्स्टेबल से ज़्यादा, भीड़ से ज़्यादा नहीं सोचते, तो फिर आप उनको मोटिवेट करोगे, आपको मेंटर दोगे। ये गौतम बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने सोचा कि अगर मैं नहीं बनवाऊंगा तो फिर ये ज्ञान मेरे साथ चला जाएगा और ये अज्ञानता का संसार रहेगा। उन्होंने ज्ञान अपना शेयर किया और गौतम बुद्ध को सब ज्ञान मिला ना, वो ज्ञान है चार आर्य सत्य। कौन सा था ज्ञान, अब यू लिखते हैं अपन कि प्रथम उपदेश कहा दिया, कहा दिया तो सर लिखेंगे प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहा था। तो सर प्रथम उपदेश का उनका ध्यान है आपको सारनाथ कहा, तो सारनाथ के, सारनाथ से जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे कि मैं वाराणसी के, तो सारनाथ के ऋषि पत्नम, लगे सर ऋषि पत्नम नामक विहार में अपने पूर्व के पांच ब्राह्मण साथियों को, मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई, पूर्व के पांच ब्राह्मण साथियों को, कितने साथी थे वो, पांच ब्राह्मण साथी। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहा दिया ऋषि पत्नम नाम के उस, जिसको मैंने बिहार संयुक्त किया है उसमें अपने पूर्व के पांच ब्राह्मण साथियों को, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन सवाल हमसे फिर पूछता है वो कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया अपनी जिंदगी में, ये भी आप लिख लें। तो गौतम द्वारा, जबकि एक क्वेश्चन और ये लिखते हैं कि ज्ञान ये देश की परंपरा क्या कहलाएंगे, यहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन, तो आप ये भी लिख देंगे बौद्ध परंपरा में इस हेतु, बौद्ध परंपरा में इस हेतु धर्म चक्र प्रवर्तन, कौन सा शब्द है सर, धर्म चक्र प्रवर्तन शब्द का प्रयोग, का प्रयोग सर धर्म चक्र प्रवर्तन का यह अर्थ हुआ धर्म का प्रचार, क्या करना। तो बौद्ध परंपरा में यह घटना क्या कहलाती है, धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या कहलाते हैं सर, धर्म का चक्र फैलाना, धर्म का प्रचार करना, बहुत सही सवाल है। इसी में आप देखेंगे गौतम द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती नामक स्थान पर सकता है, तो गौतम द्वारा सर्वाधिक उपदेश है, लगभग 26 बार उपदेश दिए थे इस जगह में, गौतम द्वारा सर्वाधिक उपदेश
श्रावस्ती नामक स्थान पर बहुत अच्छा स्थान जैन गौतम द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहा दिए गए श्रावस्ती नामक स्थान पर। श्रावस्ती सर यूपी में पड़ता है, साकेत सुना ना साकेत अयोध्या वहीं पर ये जगह पड़ती है। तो गौतम ने सर्वाधिक उपदेश दिए यहाँ सर।